अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। और आ गए हम आज आपके लिए एक और पबजी का ब्रांडेड न्यू गेम प्ले लेके सिर्फ और सिर्फ आपकी खिदमत में। जी हाँ, चिकन डिनर है तो पूरा देखना। और दूसरी बात ये कि इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई जनवरी में तूने चैनल वाला 80 वीडियो अपलोड कर चुका है तू, लेकिन फिर भी तेरे सब्सक्राइबर इतने कम है तो तू छोड़ ही दे, फालतू में टाइम जाया क्यों कर रहा है। उनके लिए बात है भाई, देख तू जो भी है तेरे कितने भी सब्सक्राइबर हो गए, 5K 7K 2K मैं नहीं जानता, मेरे लिए 113 सब्सक्राइबर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और मैं नहीं छोड़ सकता है यूट्यूब। कुछ भी हो जाए इंशाल्लाह खुद ही बढ़ जाएंगे, कभी ना कभी होंगे, खुद ही इंक्रीज़ हो जाएंगे भाई जब होने होंगे। मैं अपनी मेहनत पूरा पूरी दे रहा हूँ और माशाल्लाह व्यूज़ भी अब थोड़े थोड़े ज़्यादा आने लग गए हैं तो मेरे लिए बहुत है। और तू ये जो फालतू की ज़बान चला रहा है ना इंस्टाग्राम पर कि भाई तू छोड़ दे या चैनल मुझे सेल कर दे, तो तू जा बाहर के अंदर, समझ में आ गई। कॉन्टेंट अगर तुम मेरा चुराना चाह रहे हो तो तुम चुरा के दिखाओ, तुम्हारी मैं खुद ही देख लूँगा। ये तो इंस्टाग्राम पर मुझे अभी से शुरू हो गए हो ना, डीमोटिवेट कर रहे हो कि यार तू छोड़ ही दे, क्या कर रहा है फालतू टाइम ज़्यादा, तो बेफिक्र हो मैं यूट्यूब नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें जो मुझे क्लियर करनी थी। और प्लीज़ फॉलो मी, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करना, आपके एक कमेंट बहुत एनर्जी देता है मेरे को। और अब गेम प्ले देखो और बस खुश रहो, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर देना। और अब बीटा वर्जन भी आने वाला है, मैं लेके आऊँगा, तो वो उसके लिए भी प्लीज़ स्टे अपडेट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, अपने दोस्तों को भी बताओ। हम पचंकी जा रहे थे, हम अपनी फेवरेट जगह पे जाने वाले थे तो अचानक से वहाँ पे डूबो आ चुका था। और फिर हमने ये फैसला किया कि ऐसा करते हैं कि हम थोड़ी सी आगे चले जाते हैं, यहाँ मैं कभी नहीं गया पर आज गया। सबसे बड़ी बात ना, गन नहीं मिलती एक तो, और कसम से पचंकी मेरे लिए सर्वाइव करना ऐसा है कि एक बंदा बहुत लो था, इसको एक ही मतलब गोली लगी, खुद ही मर गया। पहले ये ऐसी नॉक हुआ, फिर ये फिनिश भी हो जाएगा, पता नहीं कैसे हो जाएगा, खुद ही मर जाएगा, मेरे पास किल आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो हाँ, मैं कहा था पचंकी मेरे लिए सर्वाइव करना ऐसा है जैसे मतलब बोर्ड के पेपर देना ना मेरे लिए आसान है, लेकिन पचंकी को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, होता ही नहीं है भाई, कतई नहीं होता, थोड़ा सा भी नहीं होता, जाते ही मर जाता हूँ, क्योंकि यहाँ की गलियाँ मुझे मत्थे में लगती नहीं है, समझ नहीं आता। ट्रिपल स्टोरी में आगे वाले पे जाने चाह रहा था लेकिन वहाँ जा नहीं पाया तो मैं पीछे वाली पे आ गया। और अब मैंने बोला आगे जाके टीपी भी लेते हैं फिर देखते हैं क्या कंडीशन। तो इतनी देर में सामने वाली बिल्डिंग से एक बंदा निकलता है, ये निकला और इसको बेचारे को हवा में मारा और हम इतनी मतलब भूखे थे। देखो मैं वहाँ से कूदा, मेरा टीममेट, हम दोनों साथ आगे कूदा, बस लूट करिए। फिर हम वहाँ गए जब अक्सर उतरते थे, सामने बंदा था और इस बंदे ने हमें बड़ा तंग किया, ये बंदा पीछे वाले स्क्वाड हाउस से घूम के इस पतली सी गली में आके यहाँ पे पहुँचा और फिर मेरा शिकार बना, ये बेचारा जम करके आगे जाने जा रहा, उसको नहीं पता था मैं यहाँ पे हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पचंकी में 3 किल्स हो चुके हैं मेरे, जो कि बहुत सही बात है और बहुत सही मैच किया था ये। प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करो, लाइक कर दो, फॉलो करो इंस्टा पे जाके। और फिर हम सामने ड्रॉप आता है, पिछली थोड़ी सी पीछे करके देखो तो ड्रॉप आया था, हम ड्रॉप पे गए यहाँ से। वैसे हम ओम के लिए लड़ रहे होते हैं लेकिन स्कोप नहीं होता ना तो ओम नहीं उठाते हम, टीममेट हम दोनों नहीं उठाते। तो फिर हम गाड़ी लेके निकल रहे होते हैं बाइक लेके और तुझे भी दिखता है कि भाई सामने प्लेयर चली, तो हमने बोला चलो प्लेयर पे। भागते हुए हम थोड़ी सी दूर जाके रुकी, बंदों ने हमें स्पॉट कर लिया था क्योंकि आवाज़ शायद उनको आ गई थी, हम उन्होंने देख लिया था हमें, फ्लेयर उनके पास आ चुकी थी अभी। टॉमी और एम एंड बैरल थी मेरे पास, दोनों ही वायाद गन है, रिकॉल दोनों का कंट्रोल नहीं होता मेरे से। एक इसको छोटी सी गोली टच हो गई और फिर मेरे टीममेट ने उसको पूरा नॉक कर दिया, तो उनका एक नॉक है, रैबिट नॉक है। और आई थिंक दूसरा बंदा शायद बनी है, तो बनी के पीछे हम निकल रहे थे, ये रहा बनी, यहाँ ये बनी है, तो ये वापस वहाँ चले गया। मैंने टीममेट को कहा भाई वहाँ नेट कर, मैं आगे जाके ड्रॉप पे टीपी पे ले रहा हूँ, क्योंकि वो बंदा भी फंस चुका है, वो कहीं जा नहीं सकता। मैंने इसको कहा था अपने टीममेट को वहाँ से करना, इसने यहाँ से नेट कर दिया, कोई ना बच गया। इसमें भी ओम और मशीन गन आई हुई थी तो बहुत सही हो गया था, दोनों के पास ओम आ जाएगी अब। मुझे नहीं पता था ये बंदा यहाँ है, बस ये दिखा तो मैंने इसको फिनिश कर दिया। और अब देखो M4 वर्सेस टॉमी, बस मेरा एम सेट था उस पर, मुझे पता था मैं उसको मार दूंगा, पिंग मेरी थोड़ी सी अच्छी थी तो उसको भी हमने मार दिया। फिर हमने बहुत सारी लूट की तो हमें शॉट्स आते हैं यहाँ से कि सामने बंदे हैं कोई, और मुझे ये लग रहा था ये लैग क्यों हो रहा है इतना, मुझे लग रहा था कि एक बंदा, पर ये दो बंदे थे। और फिर इन दोनों को भी हमने मारा, तो मैंने इसको मारा, मुझे नहीं पता था कि एक और बंदा है, मेरी टीममेट ने दूसरे को एम करके उसको मार दिया, तो यूँ वो मेरे 7 किल पचंकी पचंकी में ही हो गए हैं, जबकि मैं बाहर गया और फिर वापस आ गया, तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 7 किल हो चुके हैं यहाँ पे। तो फिर हम आते हैं वाटर सिटी के स्क्वाड होते हैं और प्लेयर आए, ड्रॉप आया था, ड्रॉप लेते हैं हम
फिर हम चले जाते हैं रोजोक की, मतलब जो सबसे ऊंची जगह है ना वहाँ पे हिल के जो बाद है। तो हमें पता चलता है कि सामने है फ्लेयर, ठीक है, फोरेक्स ऑन पे लगा हुआ था, तो बंदा ग्लिच हो गया था, मतलब मुझे नज़र नहीं आ रहा था बंदा है, जबकि बंदा वहाँ पे था। मेरे टीम मेट के पास 8x था ऑन पे, तो ये ड्रॉप आ रहा है, प्लीज़ लाइक कर दो, फॉलो कर दो जाके, मेहरबानी करो यार, सब्सक्राइबर बढ़वाओ दोस्तों में, मेरा चैनल लो यार, ऐसा क्या 113 सब्सक्राइबर 4 महीनों में, ऐसा थोड़ी होता है, प्लीज़। इतनी देर में आवाज़ आती है कि मेरे टीम मेट ने नॉक कर दिया, मैंने बोला डुओ खेलने अपन, वैसे भी अब एक बचा है, रिवाइव हो नहीं पाएगा, तो बस अपन रश करते हैं, हम रश के मूड में जा रहे हैं। इस वक्त उसका वो बंदा रिवाइव हो चुका है, जहाँ वो रिवाइव हो चुका है, और उसने यहाँ पे मतलब हीलिंग कर दी, वो बंदा वैसे ही दो के दो खड़े हो गए, हमने कर दी बेवकूफ़ी, और टीममेट मेरा मशीन गन चला रहा हो तो वो लोड पे लग जाती तो काम हो गया पक्का। यहाँ तो मैंने बोला अब तो गए हम, टीममेट ने नेट कर दिया, वो नेट भी पता निकाल गया। ये देखना बंदा कितनी आराम से बचाए, ये बग्गी पे आया था लेकिन ग्लिचेस बच गया। एक मेरा टीममेट नॉक हुआ, उनके दोनों जिंदा हैं, एक लो है एक फुल है, एक को नॉक किया, और मैंने फिर दूसरे पे एम रखा और मैं लेट गया क्योंकि, और फिर वो बंदा भी वहीं बैठा हुआ था, तो लोड करके मैंने उसको मारा और यूँ कुछ हम सरवाइव कर पाए, समझे। मैं भी आपको दिखाऊंगा वो बंदा, मतलब क्या ये पबजी यार, सही करो ये। और एक और बात कि जो बीटा वर्जन होगा नेक्स्ट सीज़न का, ये देखो कितनी पास से, मतलब बंदा जंप हुआ है लेकिन फिर भी कैसे बच गया। बीटा वर्जन जो होगा मैं वो ला रहा हूँ, वीडियो लाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, कोशिश मेरी बहुत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और इंशाल्लाह बहुत जल्द बीटा वर्जन आ जाएगा 0.19 का पबजी का, जो नेक्स्ट सीज़न होगा ना उसका बीटा वर्जन लाऊंगा मैं, नया मैप भी और रेंगल 2.0 भी उसमें रिलीज़ हो गया है। हम फ्लेयर पे आते हैं, फ्लेयर पे कोई नहीं होता, फिर मेरा शक जाता है कि बंदा सामने वाले इन पे है, इस घर में, ये घर मुझे बहुत पसंद है, ये बंदा बिल्कुल मतलब उसको तो जुर्र करके आवाज़ आई होगी, और फिर मेरा टीममेट एक को नॉक करता है, तो मैंने बोला भाई रश बनता है, चलो रश। हम फिर रश के लिए निकल जाते हैं आगे, और ये बहुत सही चीज़ है, मतलब कैसे हाथ आ जाता है, फिर समझ में नहीं आता कि कैसे हम क्या नेट करें, ऐसा थोड़ी होता है। अब देख बड़ा ना, मतलब जिसके नसीब में लिखा होता ना किलू खाना वही लेके जाता है, अब देखना क्या हुआ। मेरा टीममेट वहाँ चले गया, मैं यहाँ आ गया, मेरे टीममेट टेक नॉक कर दिया, अब मैं वहाँ आया, मुझे नहीं पता दूसरा बंदा कहाँ है, फिर मेरा टीममेट को दूसरा बंदा नॉक कर देगा ऐसे। अब देखो अगर मैं वहाँ मुड़ता तो मुझे किल मिल जाता, लेकिन मेरे नसीब में नहीं था तो किल नहीं आया मेरे हाथ में, ये होता। अब बचे सिर्फ दो बंदे, एक डिस्कनेक्ट है और एक अभी भी खेल रहा है, और बहुत सही खेल रहा है वो बंदा। तो हम लोग आ जाते हैं और पता चलता है गाड़ी यहाँ पर रुकी हुई, तो बंदा यहाँ पर पहले एक नेट किया, उन नेट थोड़ा सा बच गया, स्प्रे काफ़ी अच्छा था, UMP से बहुत सही मतलब खेल रहा था वो लड़का, फिर हाथ आ जाता है, लेकिन फिर भी मतलब नेट एक परफेक्ट जाता है, और लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे बच जाता है। मैंने बोला मैं जा रहा हूँ आगे, और यहाँ एक बहुत सही प्रैंक हो गया, नेट दीवार पर लग के वापस आ गया, अब मुझे लगा कि मेरे पास फटेगा, तो मैं फ़ौरन आगे भाग गया, वरना मुझे यहाँ पर भी एक नेट करना था। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि भाई बंदा ऊपर है, मेरा टीममेट भी ऊपर आएगा, अभी हम दोनों ऊपर जा रहे हैं। इतने देर मोबाइल वो नीचे जम मार दी, अब जैसे उसने जम मारी उससे मेरी टीममेट को आराम से नॉक कर दिया, पता नहीं कैसे, जहाँ मेरा दिल आ गया था बाहर, मुझे अब तक एक भी गोली लगी। और ये तो इसको ये बेचारा इतना प्यारा उछला, इतना क्यूट तो लग रहा था यहाँ पे ये, अभी अपन स्लो मोशन में देखेंगे, मतलब इतना ये देखो, ये एक एक गोलियाँ और ये क्या हो रहा है इसको, ये कौन से नशे हैं भाई। ठीक है सर, तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 किल हो चुके हैं मेरे, फिर हम बस आखिरी बंदा ढूंढने लग जाते हैं, हम छत पे चढ़ जाते हैं, मैं छत पे चढ़ा हुआ, मेरा दोस्त टीममेट वहाँ चढ़ा हुआ है, हम बंदा ढूंढ रहा, फिर देखना बंदा स्पॉट कहाँ होगा, शहर में ढिंडोरा बगल में चोरा वो वाली कहावत हो जाएगी, मुझे नज़र आता अरे बंदा तो कार के अंदर ही बैठा है। फिर मेरा इरादा यह था इसके सामने डांस करूँगा, टिकटॉक वीडियो बन जाएगी और फिर मारूँगा, लेकिन मेरा टीममेट मार देता है। तो भाई ये आज का गेम प्ले कुछ इस तरह का था, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, मुझे फॉलो करो जाके, कमेंट करा करो, आपका एक एक कमेंट मेरी बहुत एनर्जी देता है, बहुत सपोर्ट करता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये वीडियो देखने के लिए, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। और बीटा वर्जन आने वाला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों में भी चैनल को बढ़ाओ प्लीज़, बीटा वर्जन बहुत सही आएगा, ठीक है, अलग इंशाल्लाह अगर मतलब मिल गया तो मैं ले आके आऊँगा, वादा नहीं कर रहा, बस मैं कोशिश करूँगा कि मुझे मिल जाए तो मैं उसके रिव्यू कर दूँ। और बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।